দুর্নীতি মুক্ত আন্দোলনরু করপশন কিংপিন সত্তার স্বাদরে বদলি গলা কি ব্যক্তিত্ব ক্ষমতা লালসারে গুরুবাণী কু করিথিলে প্রত্যাখ্যান রাজনীতি মে নাই জানা সমাজ সেবা এ আপনা জীবন মে আনন্দ দে দে আনন্দ মে ডুবে রহো লেকিন উসকে দিল মে লাগে লাগা দিনে নিজ পাই ভবিষ্যবাণী করিথিলে কেজরিওয়াল কুরসি কে অন্দর কুছ না কুছ সমস্যা হে जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाए। सुनी ले तो 2011-12 मसीहा रे चली थी बा अन्ना आंदोलन बेले केजरीवाल दे थी बा भाषण ये निजो पाई बोध हुए ये केजरीवाल को भविष्यवाणी थिला तांको मतरे ସତର ଚୌକିରେ କିଛି ଖୁଣ ରହିଛି ଯାହା ସେଥିରେ ବସୁଥିବା ମଣିଷକୁ ବି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଆନ୍ନା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଫେସ୍ ବନି କେଜରିୱାଲ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆମ ଆଦମୀର ମୁଖା, ଯାହା ତଳେ କ୍ଷମତାର ଲାଳସାକୁ ଲୁଚାଇ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଘୋଟାଲା ପରେ ଘୋଟାଲା। କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷମତାର ଲୋଭ ଏମିତି ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ଯେ ଦିନେ ନିଜ ଗୁରୁ ବନାଇଥିବା ଆନ୍ନାଙ୍କ କଥା କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ଗୁରୁବାଣୀକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଖୋଦ ଆନାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୈଁ ପହିଲେ ସେ ବତା ରହା ଥା ରାଜନୀତି ମେ ନାଇଁ ଜାନା ସମାଜ କି ସେବା କରୋ ବହୁତ ବଡ଼ା ଆଦମୀ ବନ ଜାଏଗା। କହି ସାଲ ହମ ଲୋକ ସାଥ ମେ ଥେ उस टाइम बार बार मैं कह रहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा ये अपने जीवन में आनंद दे दे, आनंद में डूबे रह रहा हूँ। लेकिन उसके दिल में लग रहा ये बात आई नहीं, और आज जो होना था हो गया। दिल्ली रो सिंहासन दखल पाई ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାହାରା ବନାଇଥିଲେ କେଜରିୱାଲ। କ୍ଷମତା ହାତେଇବାକୁ ଆନ୍ନାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କେଜରିୱାଲ କଷି ଚାଲିଥିଲେ ରାଜନୀତିର ଗଣିତ। ପରେ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ପରିଣାମ ଚେତାଇଥିଲେ ଆନ୍ନା। ହେଲେ କ୍ଷମତା ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆପ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଖାରିଥିଲା ମାଲେମାଲ ହେବାର ନିଶା। ଏନେଇ ଆନ୍ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମେରେ ସାଥ ମେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜବ ଥା मैं कई सालों से उसको कह रहा था चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंग रखो, जीवन में त्याग करो। इतना कहते गया लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। अभी अभी अन्ना हजारे जी जो अरविंद केजरीवाल 2011-12 के गुरु हुआ करते थे, उनका बयान सुनकर मन में बड़ी पीड़ा हुई कि ये वो अरविंद नहीं रहा, ये अरविंद बदल गए। ये सियासी धर्मांतरण तो हुआ है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। बताइए कि अब जब मजबूरी आई और इस्तीफा देना पड़ा तो मजबूरी को मजबूती बताते हैं? अरे भाई, 150 दिन आप जेल में रहकर सरकार चला रहे थे, तब इस्तीफा क्यों नहीं दिया? सम्मुखरे कांग्रेस विरोध रे नाराबाजी करी जनता को बुका बनाई पछरे कांग्रेस रो ही हाथ धरी ऊपर को उठी थिले केजरीवाल। 2024 साधारण निर्वाचन पूर्वरु जहार सत पदारे पड़ीथिला दीर्घ 15 वर्ष धरी एही धोका धाड़ी रो शिकार होई चली छंती दिल्लीवासी। खरा हेले पानी मिलुनी, वर्षा हेले फासी जाउछि आमर जातीय राजधानी। एठी केते गभीर को माडीछि दुर्नीति रो चेर ତାହା ଏଇ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହିଦେଉଛି। ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତଠୁ ନେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସବୁଥିରେ ଫେଲ୍ ଆପ୍ ସରକାର, ଯାହାର ବଦନାମ ଲୁଚାଇବାକୁ କେଜରିୱାଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫାର ଏ ନାଟକ ରଚିଥିବା କହି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ର ସହଯୋଗୀ ଦଳ। वो जैसा वो कहते हैं वैसा कुछ नहीं है। आम लोग वहां से परेशान होते हैं और वो तो चाहते हैं कि लोग भाई अगर झारखंड डेवलप करे तो हम लोग झारखंड वापस लौट जाए, ये बदतर जीवन से। तो आज हमें लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात की समझ आ गई है
कि जनता उनसे नाराज है और उस नाराजगी को कम करने का एक ही रास्ता है कि मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दो। कि जब आदमी देखता है कि स्थिति हमारी कमजोर हो रही है और वो कितनी नाटक करने में कितनी माहिर है या झूठ बोलने में भी कितने माहिर है, तो शायद हम लोग देहात में कहते हैं ना कि कहावत है, गिरगिट में ऐसा रंग नहीं बदलता है। अरविंद केजरीवाल जी, ये नाटक बंद करें। दिल्ली की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है, जो आदमी जेल से जमानत पर छूटा हो और इस प्रकार के नाटक को करे, दिल्ली की जनता अच्छी तरह इस बात को पहले से ही समझ चुकी है। और महापुरुष से तुलना करना और भी दुखद है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता उनको जरूर जवाब देगी। जब वो गए थे और कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया, कोर्ट का प्रोसीजर है, कोई केस तो उनका खत्म नहीं हुआ है, उनको जमानत मिला, अभी ट्रायल होगा, जजमेंट आएगा, इनको पहले ही दे देना चाहिए था। क्योंकि कल को आप सत्ता से बाहर होने वाले हैं, लेकिन आपने इन एजेंसीज का करेक्टर बदल के रख दिया, आप भी इसकी जद में आएंगे। अरविंद केजरीवाल साहब है, निडर है, एक निडर लीडर है, और वही बिना डरते हुए आज लड़ते हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं। वैसे ही सिसोदिया जी है, हमारे यहाँ सूरज चव्हाण अभी भी अंदर है, लेकिन वो भी लड़ रहे हैं। अनिल देशमुख जी हो, संजय राउत जी हो, जो जो लड़ रहे हैं देश के लिए, वो बिना डरे हुए दिखा रहे कि उनकी भी जो सीना है वो भी काफी मजबूत है। आम आदमी रो टोपी पिंधी आम आदमी को टोपी पिंधाई बारे सिद्धहस्त होउछंती केजरीवाल। दिल्ली रो रास्ता घाट कांथ बाड़ हेउछि एहारो बड़ प्रमाण। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।